शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते लोगों में कोरोना को लेकर जन जागृति हो, इस उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस उपायुक्त विनीता शाह के नेतृत्व में जोन 2 अंतर्गत व्हीकल रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने अपने वाहन के जरिए मार्च निकाला। आए दिन शहर में हजारों की संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, इसी के साथ ही मृतकों की संख्या में भी खासा इजाफा देखा जा सकता है। कोरोना को लेकर शहर में स्थिति और भी भयावह हो रही है। वहीं शहर में लॉकडाउन होने के बावजूद भी अब भी लोग सरासर प्रशासन द्वारा लगाए गए कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इसी के चलते लोगों में कोरोना को लेकर जन जागृति हो, इस उद्देश्य से गुरुवार को जोन 2 अंतर्गत व्हीकल रूट मार्च निकाला गया। इस बारे में पुलिस उपायुक्त विनीता शाह ने अधिक जानकारी साझा की। अभी नागपुर शहर में कोरोना का जो संक्रमण है इसमें बढ़त देखी जा रही है और ये जो चेन है वो ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस निर्गमित की हैं। इन गाइडलाइंस का सभी नागरिकों ने पालन करें, इसके लिए उनको आह्वान करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए ये व्हीकल फ्लैग मार्च नागपुर पुलिस द्वारा निकाला जा रहा है। और वैसे ही जो भी समाज के घटक हैं, व्यापारी बंधु हैं या दूसरे जो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार का इस निर्बंध की वजह से कोई त्रास है, तो उन्होंने उसका योग्य मार्ग से निराकरण करें, ऐसा उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके द्वारा। और साथ ही साथ जो कोविड के सारे नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करने के लिए हम सभी नागरिकों को आह्वान करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आज ये व्हीकल फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। इस दौरान पुलिस उपायुक्त विनीता शाह ने जनता से ब्रेक द चेन अंतर्गत प्रशासन द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करने का आह्वान किया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।